आपके साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। वे 4 अक्टूबर को फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास खाली करके नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जानकारी दी। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि वे नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। पार्टी ने बताया कि केजरीवाल मंडी हाउस के पास फिरोज शाह रोड पर AAP के राज्यसभा सांसदों को आवंटित 2 बंगलों में से एक में रहने जा सकते हैं। बंगले पार्टी मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले वे गाजियाबाद के कोशाबी इलाके में रहते थे। केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अग्नि परीक्षा देने के लिए इस्तीफा दिया है और जब तक लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते तब तक वे पद पर नहीं लौटेंगे। इसके बाद पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि एक नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर केजरीवाल को आवास मुहैया कराया जाए। हालांकि दिल्ली में विधायकों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया जाता। केजरीवाल भी अब सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। शराब नीति मामले में 21 मार्च 2024 को ED ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत दी थी। इसके 4 दिन बाद ही 17 सितंबर को उन्होंने CM पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री रही आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया था। वे कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक हैं। उन्होंने 21 सितंबर को दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसी के साथ बने रहे।